नदी का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने नदी जो देखी होगी, दोस्तों नदी दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्तनधारी नदी, जिसमें पूरे साल पानी रहता है। दोस्तों दूसरी नदी होती है बरसाती नदी, इसमें बरसात के समय पानी रहता है। दोस्तों नदी का जन्म दो कारण से होता है। पहला होता है जब ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है, उससे नदी का निर्माण होता है। दूसरा होता है कि बरसात के कारण ही नदी का निर्माण होता है। दोस्तों नदी के निर्माण पृथ्वी के जन्म के बाद हुआ था, जब पृथ्वी पर पहाड़ों तथा समुद्रों का निर्माण हुआ था। उस समय पृथ्वी पर लगातार बारिश होती थी, इस कारण एक जलधारा पृथ्वी के निचले इलाकों तक बहती गई। इस प्रकार नदियों का निर्माण हुआ था। और बस इतना ही दोस्तों बीच हमारी इस चैनल को सपोर्ट करें।